हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे दादरा ताल की एक लग्गी जो आपका तिरिकिट सुधारने के लिए भी काम आएगी। इसकी हेल्प से आप तिरिकिट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और ये दादरा ताल की लग्गी भी हो जाएगी। तो इसके बोल हैं, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धागे तीना कीना, ता तेरे किट तक तेरे किट धागे धीना गीना। इस एक ही लग्गी से दो काम हो जाएंगे सिर्फ इसी का रियाज करने से। कैसे बजेगी? धा तेरे किट तक तेरे किट धागे तीना कीना, ता तेरे किट तक तेरे किट धागे। मैं हर बार बताता हूँ, धा के बाद ती आप मिडिल फिंगर से बजाइएगा, धा तीर तीर। उसके बाद में आप पूरा हाथ इन्वॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ती बजाने के लिए इसका आगे आना ज़रूरी है। फिर धा तीर तीर, तो तक तीर तीर और धागे तीना कीना। तो धागे और बाएं पे दोनों फिंगर यूज करनी है। धागे अक्सर ये ज्यादा यूज होता है, इसको नहीं करना है रियाज करने में। धागे तीना कीना धागे, तो इसी का एक और फ्रेज बन सकता है, धा तेरे किट तक तेरे किट धागे तीना कीना, ता तेरे किट तक तेरे किट धागे धीना गीना। ये तो एक फ्रेज है, आप धागे धीना कीना और धागे तीना कीना का भी एक फ्रेज बना के रियाज कर सकते हैं, जो बाद में जुड़ रहा तेरे किट तक तेरे किट को अगर हटा दें तो आप सिर्फ धागे धीना कीना और धागे तीना कीना का भी रियाज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका ये जो ग के बाद जो क या क के बाद ग बजाने में जो प्रॉब्लम आती है वो भी उससे दूर हो जाएगी। धागे तीना कीना इसको लेके भी रियाज कर सकते हैं और दादरा ताल में इसको लग्गी के रूप में भी बजा सकते हैं। ऐसे भी बजा सकते हैं, पूरा भी बजा सकते हैं। और सिर्फ धा तिरिकिट तक तिरिकिट को भी ले सकते हैं, सिर्फ धा तिरिकिट तक तिरिकिट। और एक छोटी सी तिहाई, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा। बहुत आसान है, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा। थैंक यू।